हम अपनी लेबल्स की पेस्टिंग के बाद, क्योंकि हमारी तमाम आइटम्स इसके अंदर बबल रैप के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बबल रैप उन आइटम्स के लिए किया जाता है जो जो शार्प हो, तो हमने इस आइटम के अंदर भी इसकी जो टिप है उसके ऊपर भी प्लास्टिक कवर लगा दिया, उसको प्लास्टिक पैक कर दिया। पीछे हमारा बार कोड आ गया, बार कोड के ऊपर हमारा बबल रैप, और DHL वालों से हमने बॉक्स लिया, क्योंकि हमें हमारे फाइनल जो बॉक्स की प्रिपेयरिंग है उसके लिए हमें एक और बार कोड जो हम इसके ऊपर साइड पे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर इसे काटें खोल के कोई चेक करे तो हमारा बार कोड डिस्टर्ब ना हो। वो इस वक्त हम एक रोड के ऊपर ही बैठ के उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने DHL शिपिंग मेथड ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसे कुछ रीज़न की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, स्मॉल पार्सल डिलीवरी और DHL एक्सप्रेस, ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बॉक्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड करनी है। यहाँ पे शिपमेंट क्वांटिटी 45 है, बॉक्स वेट 2.866 LB है, और जो पाउंड्स में है तो आपको KG से पाउंड में गूगल से कन्वर्ट हो जाएगा। बॉक्स की डायमेंशन आपको लेंथ विड्थ हाइट के हिसाब से लिखनी है। यहाँ पे लेंथ जो कि इस बॉक्स की ऐसे मेयर की गई लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट आ गई हमारी, यहाँ से ये हाइट वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। और अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद योर बॉक्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहाँ पे वो हमें ऑप्शन दे रहा है, शिपिंग लेबल्स थर्मल प्रिंटिंग पेपर ऑप्शन नाउ अवेलेबल। तो थर्मल पेपर, यहाँ पे हम प्लेन पेपर की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। थर्मल पेपर इट्स अ बिट कम्प्लेक्स, वो एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स चीज़ है, आई डोंट नो, प्लेन पेपर की तरफ ही जाते हैं। सेलेक्ट अ पेपर टाइप दैट इज़ कंपैटिबल विद योर प्रिंटर फॉर्मेट, सिंस ईच बॉक्स लेबल इज़ यूनिक, बी श्योर टू प्रिंट ऑल बॉक्स लेबल्स, डू नॉट फोटोकॉपी, रीयूज और मॉडिफाई लेबल्स फॉर यूज इन एडिशनल बॉक्सेज। अ बॉक्स ID लेबल इज़ रिक्वायर्ड इवन इफ द बॉक्स कंटेन्स अ सिंगल सेलेबल यूनिट। बॉक्सेज कंटेनिंग मल्टीपल स्टैंडर्ड साइज आइटम्स मस्ट नॉट एक्सीड 25 इंचेस ऑन एनी साइड। तो हमने प्लेन पेपर सेलेक्ट कर लिया, और मज़ीद नीचे आते हैं, हम प्रिंट बॉक्स लेबल्स पे क्लिक कर दिया। मेरे ख्याल में भी लोड हो रहा है। ये हमारा FBA का सिंपल प्लेन पेपर का प्रिंट है। इसको अब हम प्रिंट करके उस पर लगा देंगे। इसको हम फिलहाल सेव कर लेते हैं। फाइनल स्टेप जो है हमारा, ये सारा सेटअप होने के बाद हमें अपना ट्रैकिंग नंबर डालना है जो DHL की तरफ से दिया है। जैसा आप देख रहे हैं ऊपर ट्रैक शिपमेंट करा रहे हैं, मुझे बताइएगा 3720 7800 6666 3720 7800 6666। ये सेव ऑल। लोडिंग, थैंक यू। लोडिंग में ज़्यादा टाइम लगा। हाँ, लोडिंग हो गई। नो ट्रैकिंग इवेंट्स टू डिस्प्ले, ये कंप्यूटर पे ऑन एयर हो गए, इसे आप ट्रैक कर सकते हैं गूगल पे। इसको रिफ्रेश करके देखिए, ठहरे दोबारा करते हैं। नो ट्रैकिंग इवेंट्स टू डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले नहीं होगी।
यहाँ पे इनके पीसी पे हमारी जो शिपमेंट है वो शिप हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन अमेज़ॉन जैसे कि आप देख रहे हैं इसको, हाँ लाहौर लाहौर टू आ गया वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे अमेज़ॉन कह रहे हैं कि नो इवेंट्स टू डिस्प्ले, लेकिन फिर भी एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, नो इवेंट्स टू डिस्प्ले, लेकिन मार्क एज शिफ्ट कर देते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। शिपमेंट स्टेटस शिफ्ट, सो यहाँ पे तो ये चेंज कर दिया वैसे अमेज़ॉन ने शिफ्ट पे, लेकिन स्टिल लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर के साथ नहीं आ रहा, शिपमेंट इवेंट्स शिपमेंट क्रिएटेड इन ट्रांजिट, ट्रैक शिपमेंट, चले करियर स्टेटस तो शिप्ड आ रहे, ठीक है विल ट्राई इट लेटर ऑन टू सी वेदर इट शोज अस द ट्रैकिंग इंशाल्लाह। सो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये सब कुछ अब आपके लिए, ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम ऑल।